सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आपकी रिक्वेस्ट पे आ चुका है GTA 5 की सीरीज गाइस। तो मैं सारे एपिसोड स्टोरी मोड के अपलोड करूंगा और गाइस हम इसमें मोड्स वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे और रोल प्ले वगैरह खेलेंगे। अभी तो गाइस ये GTA 5 का फर्स्ट मिशन है प्रोलोग, तो ये प्रोलोग वगैरह देख रहे हैं। और आपको पता ही है GTA 5 कैसा गेम है गाइस, ओपी गेम है गाइस, पूरे डेकेड का इस जैकेट का पूरा OPS गेम है। नहीं, बहुत सारे भी अच्छे अच्छे गेम्स आए थे लेकिन ये OPS गेम है। और भाई ये आंटी को कोई लेके जाओ और भाई तीन चार चांटे लगाओ, चपेट लगाओ और भाई से आंटी को चुप कराओ। तो गाइस फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या हालत है। और गाइस मैं वीडियो गाइस दो तीन दिनों में डालता रहूँगा और डे बाई डे अपडेट करता रहूँगा कि क्या चल रहा है। और थोड़ा गाइस 1K वगैरह भी हमें करवाने हैं, तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब करो एंड जो रेड कलर का बटन है उसे ग्रे कर देना, फालतू डायलॉग। तो कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल मैं इसे डरा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब इसे दिखा रहा हूँ बेटा भाग गया बेटा, गोली मार दूंगा पैर में। तो गाइस वो जा चुका है। तो ट्रेवर भाई साहब हमें कह रहे हैं कि कॉल लगाओ, और माइकल भैया हमारे कॉल लगा रहे हैं जिन्होंने बहुत तगड़ा वाला नकाब पहना हुआ। ओ गाइस एक्सप्लोड हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोड हुआ, स्टिकी बम एकदम जोर वाला लगाया था। तो गाइस ये थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। ओ गाइस कोई बात नहीं गाइस, आते ही मैंने मतलब गेम शुरुआत करते ही हरकतें देना शुरू कर दी है। कोई बात नहीं गाइस, तो स्लो एंड स्टेडी जाएंगे, माइकल कह रहा है। और इधर से भाई कितना बड़ा छेद कर रहा है स्टिकी बम मार के भाई साहब। अरे ड्राइवर सारा पैसा लूट के भाग लेते हैं गाइस। ये मैं कलेक्ट कैश, सारे कैश कलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये अपना बैग खुला, फटाफट नया नया माल डालेंगे भाई, करारे नोट हरे हरे। ओ गाइस, तो गाइस जल्दी जल्दी अपना बैग पकड़ो, लादो और निकल लेते हैं। चलो ड्राइवर निकलते हैं। चलो गाइस, ओ गाइस ये पुलिस ऑफिसर गाइस यहाँ पे कैंप करा हुआ, तो भाई इसने मेरे को पकड़ के एकदम पकड़ लिया यार। और यहाँ पे ट्रेवर कह रहा है कि भाई छोड़ दे नहीं तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो गाइस हम स्विच करते हैं करेक्टर ट्रेवर पे। गाइस ये लो पट से हेडशॉट। और गाइस मेरे को ट्रेवर काफ़ी ओपी करेक्टर लगता है, तो गाइस ट्रेवर मैं ही चूज़ करूँगा इस मिशन को करने के लिए। कभी कभार माइकल एक दो बार ले लूँगा, लेकिन कोई नहीं, मेनली हम ट्रेवर बन के करेंगे मिशन को। तो गाइस फिलहाल मैं इधर कह रहा हूँ कि क्यू प्रेस क्यू टू टेक कवर। तो गाइस कवर ले लेंगे गाइस क्यू प्रेस करके। तो फिलहाल हमने भेजा अपने बंदे को, पता नहीं कौन है। तो हमने अपना भेजा और उसने स्टिकी बम लगा के भाई पूरा गेट एक्सप्लोड कर दिया, लिटरली पूरा गेट एक्सप्लोड हो चुका है। और हमें फिलहाल तो बाहर जाना है। और ये भाई शटर स्विच को हिट कर दे भाई ट्रेवर, और ये ट्रेवर ने दबा दिया। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं। और गाइस ये देखो पूरी भाई LSPD आ चुकी है, पूरी कॉप वगैरह सब लोग आ चुके हैं। और गाइस अब है एक्शन का टाइम। तो फिलहाल भाई ट्रेवर है, तब को पता ही भाई ट्रेवर तो भाई किसी को देखता नहीं है, उससे पहले उसकी गोलियां चल जाती, चाहे भाई खुद हो मतलब उसके दोस्त भी हो भाई वो देखेगा नहीं, लेकिन गोली फायर कर देगा अगर भाई लड़ाई में है तो। वो भाई देखता नहीं है डायरेक्ट उसके भाई ट्रिगर। तो कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है। ड्राइवर आपको पता ही भाई कैसा सनकी आदमी है, उसको कुछ दिखता उखता तो है नहीं भाई, वो गोलियां फायरिंग करना शुरू कर देता है। और यही गाइस ड्राइवर का भाई मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। और कोई बात नहीं गाइस, चलो इधर मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट से फ्लैंक कर दूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया व्यू आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे को इधर से क्लियर करना पड़ेगा तभी मैं लेफ्ट में जा पाऊँगा, नहीं तो भाई मेरे को पेड़ डालेंगे लोग। तो कोई बात नहीं गाइस, एक बार राइट में मैं TPP लेके देखता हूँ कि क्या है, क्योंकि अभी गाइस बहुत सारे गार्ड हैं, मेरे को पेड़ दिया जाएगा। ओ भाई गाइस ट्रेवर ने अपना भाई मास्क भी उठा दिया और अपना फेस रिवील कर दिया, वैसे मुझे तो पता है तो आपको भी पता ही होगा फेस कैसा ट्रेवर का। और फिलहाल तो गाइस मैं चेंज करने का आ रहा है कि मैं माइकल पे स्विच करूँ। तो गाइस मैंने माइकल पे स्विच करा और भाई खतरनाक तरीके से, मैं मतलब मैं माइकल पे स्विच नहीं करूँगा, मैं बताया तो मैं ट्रेवर बन के ही मिशन को कंप्लीट करना चाहूँगा। और गाइस मेरे को थोड़ा सा कोल्ड भी हुआ है, तो गाइस उसे इग्नोर मारना, थोड़ी मेरी नोज़ ब्लो हो रही है इसलिए मैं वीडियो थोड़ा एक दो दिन लेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को कोल्ड हुआ है तीन चार दिनों से। तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना और सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि GTA की पहली वीडियो होने वाली है, तो मेरे को काफ़ी मतलब उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो गाइस मैं लेफ्ट से फ्लैंक करता हूँ, आ चुका हूँ भाई, कितना तगड़ा व्यू मिल रहा है, कितना OP व्यू मिल रहा है। तो गाइस इसको तो मैंने डाउन कर दिया है। अब गाइस एक गाड़ी और आ रही है वहाँ से, मेरे को दिख चुकी है, देखो आपको भी दिखी गई होगी, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, देखो वो आगे गाड़ी। इसको गाइस मैं बंदे चारों के चारों, चार नहीं दो बंदे, तो गाइस एक को तो मैंने उतार दिया है और एक गाइस निकला है बाहर, तो मैं इसे भी गाइस एकदम फिनिश कर देता हूँ। ये हो गया फिनिश, वो तो ऑलरेडी मेरे को मैंने उतार दिया, तो उतरते नहीं गाइस वहीं के वहीं गाड़ी में।
ड्राइवर जो वहीं के वहीं पिट जाता है। और यहाँ पे गाइस और भी लोग हैं, उनको भी मैंने पीट दिया। और अभी एक गाड़ी और आई गाइस, मेरे को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कवर में, क्योंकि मेरे को भी बुलेट डॉच करनी पड़ेगी और थोड़ा जिगल दे रहा हूँ ताकि मेरे को अच्छे से टारगेट ना कर सके। ये पीट दिया, तो अब गाइस सब क्लियर है। थोड़ी बहुत मैं फायरिंग कर देता हूँ, एक आज से बचा हो तो वो भी डर के मारे पड़ जाएगा। तो भाई माइकल कह रहा है यार आ जाओ यार गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं उसकी बात कैसे जा सकता हूँ, चलो बैठ जाते हैं। ये दरवाज़ा खोला और ये अपना ड्राइवर भी है गाइस, पूरी एक स्क्वाड है हमारे पास। तभी हमने हाइस्ट सक्सेसफुली कर दिया है और अब हम यहाँ से भाग रहे हैं। तो गाइस पूरा हाइस्ट अभी हुआ नहीं है, बस भाग रहे हैं। और भाई ये ट्रैवल का पागलपन नेक्स्ट लेवल पे, भाई रेज है इसका पागलपन। लेकिन ओ गाइस एक गाड़ी और आ रही हमारे पीछे, भाई कितनी सारी LSPD भाई पड़ी हुई है। लेकिन भाई ट्रैवल भाई छोड़ने वाला तो है नहीं इनको, भाई अपनी M4 निकालेगा और भाई पेल डालेगा। नहीं गाइस शिट, भाई अपने ड्राइवर को ही पेल दिया यार। भाई पुलिस ऑफिसर भाई बहुत तगड़ा पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब गाइस ड्राइवर की जगह माइकल है और भाई माइकल ने एक टक्कर मारी उनकी गाड़ी, तो भाई ध्वस्त। चलो गाइस अब अपना ट्रक लेके निकल लेते हैं। तो गाइस मेरे को मैप पे मार्क आ चुका है और मैं बहुत टाइम के बाद GTA खेल रहा हूँ, कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं। इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं, 4-5 महीने ज़्यादा, 6-7 महीने हो चुके हैं। तो गाइस मेरे को थोड़ी बहुत कंट्रोल में फैमिलियर होने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं गाइस। अभी तो इतनी इजी मतलब हार्ड ड्राइविंग नहीं है, थोड़ी बहुत इजी ड्राइविंग, लेकिन इसके बाद जो मिशन आएगा उसमें गाइस ड्राइविंग को गाइस 30% लेस, भाई मतलब बहुत स्टेबल गाड़ी नहीं रहती भाई, बहुत ख़राब ड्राइविंग होती। और उधर से राइड लेना पड़ेगा गाइस, मैं राइड ले रहा हूँ लेकिन भाई बहुत कर रहा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन गाइस थोड़ी बहुत बुलेट्स फायरिंग हो रही है पीछे से, तो मैं गाड़ी भगा लेता हूँ। और गाइस ट्रेन आ चुकी, ओ शिट गाइस हम लेट हो चुके हैं। हमारा ड्राइवर को रास्ते में पीट दिया गया और भाई बहुत कर्रा एक्सीडेंट हुआ है इनका, भाई पूरी गाड़ी हिल चुकी है। लेकिन गाइस कोई पिटा नहीं है, सब लोग ऑल राइट हैं, तीनों के तीनों बंदे। बाहर निकलते हैं और शॉप पर जाना है। और माइकल कह रहा भाई प्लान पर रहो, देखो गाइस माइकल कह रहा भाई स्टिक रहो प्लान पर, अपने प्लान जो है उस पर हम करेंगे। और ये तीनों के तीनों जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हो गया। भाई वो ओम रीलोड मार रहा है, लिटरली पड़ गई, तो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पड़ी है भाई, बिल्कुल हार्ट के सेंटर में उसकी बुलेट कनेक्ट हुई है। लेकिन मेरे को दिक्कत की भाई ये नहीं बच पाएगा, इसका कोई चांस नहीं बचने का, क्योंकि भाई जो ओम की बुलेट होती है तो भाई इसके सीने में लगी है। नहीं नहीं राइट साइड लगी, थोड़ा राइट साइड लगी, लेकिन मरेगा नहीं क्योंकि इसके हैंड की साइड लगी है, लेकिन वो तो भाई बिल्कुल हार्ट के सेंटर में लगी है, उसका कोई चांस नहीं है, तो ब्लीड आउट हो जाएगा। लेकिन माइकल कह रहा है तुम भाग जाओ, मैं ब्लीड आउट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाग जाओ। तो भाई ट्रेवर भाई पूरी वफादारी दिखा रहा है कि मैं इधर ही रहूँगा, भाई मैंने तीन बंदों को ऑलरेडी लिट करके ख़त्म कर दिया। तो ट्रेवर कह रहा भाई ख़त्म कर दूंगा तुमको भाई, लेकिन भागूंगा नहीं। और देखो भाई ट्रेवर पूरी कर रही शूटिंग कर रहा है फिलहाल, नहीं भाई पुलिस की गाड़ी आ गई, अब ट्रेवर को निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई बिल्कुल बच नहीं पाएगा ट्रेवर, बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे एक हॉस्टेज हमने पकड़ लिया है और ये एक सिविलियन है जो मतलब नॉर्मल इधर ही उधर घूमता रहता है, जो भी मतलब सिविलियन है, और उसको गाइस हमने फंसा दिया और हम भाग चुके हैं। देखो वो कह रहा है भाई जाओ जाओ इसे मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन नहीं, तब तक अपना भाई ट्रेवर भाई हवाएं चल रही है भाई, बर्फीली हवाओं में गाइस अपना ट्रेवर गायब हो चुका है। और गाइस यही था हमारा प्रोलोग भाई, प्रोलोग अपना GTA 5 का प्रोलोग था, जो भी भाई OPS प्रोलोग है, सारे मतलब बहुत सारे गेमों का सबसे अच्छे अच्छे प्रोलोग होते हैं, लेकिन ये भाई बहुत OP प्रोलोग था। तो गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, वो फ्यूनरल चल रहा है भाई, पता नहीं किसका ग्रेव पे उसका नेम लिखा होगा, जो पत्थर खड़ा हुआ है। माइकल क्या लिखा है, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखो ये पुलिस ऑफिसर भाई अपना चिल आउट कर रहा है बढ़िया बारिश में एकदम। रॉकस्टार गेम्स प्रेजेंट भाई बहुत OP गेम है, इसी गाइस पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे और मैं थोड़ा बहुत मोड्स वगैरह भी डालूंगा, इंस्टॉल करूंगा, फुल ऑन मज़ा आएगा गाइस। तो सीरीज से आप जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी OP वीडियोस आते रहें। और देखो गाइस लिखा हुआ माइकल, पता नहीं क्या लिखा, मैं पढ़ नहीं पाया सॉरी, कोई बात नहीं। और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, ये था गाइस प्रोलोग। तो गाइस ये तो था फर्स्ट मिशन, अब मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड मिशन भी कर देते हैं। और गाइस आप कमेंट्स में बता देना कि मतलब मेनली वीडियो कितने मैक्सिमम, देखो गाइस सेकंड एपिसोड में थोड़ा बहुत क्रॉप कराया है क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत और कट सीन वगैरह आए थे, लेकिन वो फालतू थे, कुछ दिखाने का था नहीं उनमें। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हम सेकंड मिशन में, तो ये मिशन है फ्रैंकलिन एंड लमार, तो ये भी एक तरीके से प्रोलोग ही है। ओ गाइस ये क्या हुआ भाई, एकदम से गाइस मैंने बिल्ली को मार डाला,
मुझे पता भी नहीं चला गाइस, मैंने तो बस ऐसी एफपीपी करा, मैं तो बस कंट्रोल वगैरह से फेमिलियर हो रहा था कि इससे पीटते हैं, तो मैंने लेफ्ट क्लिक एकदम से रैंडम दबा दी, भाई बिल्ली आ गई। ओ भाई, तो ये लमार है जो ग्रीन ड्रेस में, और ये ब्लू ड्रेस में जो है, ब्लू पता नहीं क्या कहेंगे इसे, पता नहीं कौन सा कलर है, कोई कलर तो है ब्लू जैसा, मैं ब्लू कहूँगा। तो भाई ब्लू, इसका नाम है फ्रैंकलिन, आपको तो पता ही होगा। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ गाइस ये वाइट वाली कार, तो ये मेरे को ऑडी लग रही है, एकदम ऑडी ही है। तो वो लेफ्ट वाली पता नहीं कौन सी कार है, लेकिन मैं वाइट वाली चुनूंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा सही लग रही थी। चलो गाइस, पता नहीं क्या मिशन है, पता करते हैं। तो गाइस फ्रैंकलिन, सॉरी लमार तो निकल चुका है। अब लमार कह रहा था कि मैं फ़ोन कॉल करूँगा, तो मैं तुम उठा लेना और हम फ़ोन पे बात करेंगे। तो देखो गाइस, लमार का फ़ोन आ चुका है, अब मैं उसे पिकअप कर लेता हूँ, और यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हम लोग, और मैं राइट टर्न ले लेता हूँ। पता नहीं क्या कह रहा है, स्लो एंड स्टडी जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि पता नहीं क्या करना चाह रहा गाइस, हम बहुत ओपी ड्राइवर हैं। लेकिन गाइस मैं आपको पता है, थोड़ी बहुत कार की जो हैंडलिंग है वो 30% से 40% रिड्यूस करी गई है, तो और ट्रैफिक का भी सिस्टम यही है कि कोई गाड़ी आके ठुकेगी, तो इस गाड़ी में मतलब इस वाले मिशन में गाइस बहुत गाड़ी की हालत ख़राब होने वाली है, तो आप उसे इग्नोर मारना, क्योंकि इसमें मिशन में यही डिसाइडेड है कि गाड़ी ठुकेगी। देखो गाइस ये कैसी ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे पास है फ्रैंकलिन की स्पेशल एबिलिटी। भाई ये कैप्स लॉक जैसी दबाता हूँ भाई एकदम से स्लो सा हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस हम बहुत ओपी ड्राइव कर सकते हैं। देख सकते हो गाइस, क्रिएटिव द स्पेशल एबिलिटी वाइल इट इज़ एक्टिव, प्रेस कैप्स लॉक। तो एक्टिवेट करने के लिए है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। और गाइस रमार ने कहा कि मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ, तो मैं भी राइट ले लेता हूँ। और गाइस देख रहे हो गाइस ट्रैफिक कैसा, ओ भाई साइकिलें जा रही हैं। और मैंने यहाँ पर गाइस देखो एबिलिटी यूज़ करके भाई क्या ही टर्न मारा है। और सॉरी आंटी, होता रहता है, कोई बात नहीं, GTA भाई ये तो, इसमें तो वो गाइस भाई गंदी ठुकी है गाड़ी, पूरा अपना लेफ्ट साइड भाई ख़त्म हो चुकी है गाइस। ये फिल्म सिटी है भाई, ये कौन भाई एलियन सा आ गया अपनी गाड़ी के बोनट पे, मैंने से भी उड़ा दिया हो भाई, पुलिस वाला भी उड़ गया। तो हैंड ब्रेक यूज़ करने के लिए गाइस स्पेस हम प्रेस कर सकते हो। लमार गाइस लेफ्ट चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ गया लमार, तो लेफ्ट मुड़ गया था वो गली सी में, पता नहीं क्या करेगा। ओ गाइस हमारी कार फिर से ठुक गई, कोई बात नहीं गाइस, हम अभी तुरंत स्पीड पकड़ते हैं और फिर से ठोक दी, कोई बात नहीं। और गाइस लमार पता नहीं क्या ड्राइव कर रहा है यार, लेफ्ट ले रहा है, राइट ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हमारा टेस्ट ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे मिशन का मतलब समझ में नहीं आया भाई, क्या था इसका वो मोरल नहीं, मतलब क्या मिशन था भाई इस मिशन में, मतलब कुछ था भी पता नहीं गाइस, बस ड्राइव करते रहो, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ऐसे ही था थोड़ा स्टार्ट के लिए, थोड़ी ड्राइव वगैरह की कंट्रोल्स वगैरह बताने के लिए। तो गाइस काफ़ी बकवास हो चुकी है, पता नहीं गाइस अब क्या, ये टेरियंस कार भाई मेरे को लग रहा है वही भाई प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट भाई कुछ उससे रिलेटेड है। और ये दो गाड़ी हमने चुराई है, वहाँ पे जाके शायद से बेच देंगे जहाँ तक मुझे याद था। तो देखो गाइस ये इसकी ड्राइविंग देखो भाई, ये मेहरून गाड़ी, मेहरून कलर की गाड़ी वाला भाई पता नहीं क्या पागल था यार, मेरे सामने आके रोक दी। मैंने आपको जैसे कि बताया था भाई इसमें मतलब गाड़ियाँ ठुकेंगी, तो आप इग्नोर मार देना। देखो भाई ये स्पेशल एबिलिटी भाई फ्रैंकलिन भाई ओपी है। और देखो भाई लमार को मैं पीछे मतलब इसको मैं ओवरटेक कर भाई देख रहे हो कैसे क्या ड्राइविंग कर रहा भाई, क्या पागल ही है यार, मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी मार दी यार इन लोगों ने। कोई गाइस फटाफट से मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी भगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर वो लमार दूर चला गया ना तो भाई मिशन अपना फेल हो जाएगा, तो मिशन जो अपना फेल हो जाएगा अगर वो दूर भाग जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ से स्पेशल एबिलिटी मेरे को यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा शार्प टर्न है गाइस। मैं स्पेशल एबिलिटी थोड़ी हटा देता हूँ, और गाइस मैंने एच दबा के हेडलाइट मोड ऑन कर सकता हूँ एच दबा के। तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद खेला, आपको पता ही होगा, और मैं इधर स्पेशल एबिलिटी यूज़ नहीं करूँगा, शार्प टर्न इधर भी आया था, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी ड्राइव के ऊपर। भाई क्या ही तगड़ी स्पीड में भगा रही है भाई, क्या गाड़ी तगड़ी है भाई, ये गाड़ी ओपी है, बहुत स्पीड से भाग रही है, लेकिन इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो बात अलग है। और यहाँ पे गाइस मेरे को लग रहा है एक और कट सीन आ गया भाई, अपनी गाड़ी देखो भाई, लमार की कार देखो, एक स्क्रैच तक नहीं है, क्योंकि उसको भाई जो ट्रैफिक है भाई हम पे आके ठोकेगा। देखो खून खच्चर सारे हम नहीं करें, तो गाइस यहाँ पे लमार ने कहा है कि मैं तुम्हें डीलरशिप में मिलूंगा, तुम भाई कॉप्स लूज करके फटाफट से डीलरशिप पे आ जाना,
वहीं पे हम दोनों को कार को सेल करके भाई काफ़ी तगड़ा मुनाफा उठाने वाले हैं। क्योंकि लमार तो पता नहीं किधर निकल गया, मेरे को दिख भी नहीं रहा, लेकिन मेरे को काफ़ी सारी पुलिसों की साउंड, पुलिस के सायरन की साउंड आ रही है। तो मेरे को फटाफट से यहाँ से गाड़ी जो है भगा लेनी है और यहाँ से फटाफट से जो है पुलिस को मतलब पीछा चकमा दे के पीछा छोड़वाना है अपने से पुलिस का। तो मैं अपनी गाड़ी भगा लेता हूँ इधर उधर कि मेरे को पुलिस छोड़ दे, ऐसे एरिया में जाऊँ जहाँ पर पुलिस आ ही ना सके। तो इन्जॉय करो गाइज आप ड्राइव को, क्या करता हूँ मैं और फिलहाल अपनी गाड़ी गाइज हाईवे पे है और मैं गाइज मोड्स वगैरह इंस्टॉल करने वाला हूँ और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो गाइज मैं इधर आ चुका हूँ, थोड़ा मतलब पहाड़ी इलाके में आ चुका हूँ मैं दूर से भगाता हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ इधर पुलिस नहीं आए तो ज़्यादा ही सही है, क्योंकि ये थोड़ा सुनसान एरिया है, थोड़ी एफयूवी में भी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं। गाइज मेरे को वहाँ से मैप पे शो हुआ कि वहाँ से भी एक कार आ रही, तो मेरे को उधर से लेफ्ट टर्न लेके भगा लेनी है गाड़ी। और गाइज इधर से मैं ट्राई करूँगा कि एकदम सीधी सीधी लेके चले जाऊँ। और पुलिस तो सामने भी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी स्पीड में होगी जिसमें चकमा दे सकूँ। देखो वो लेफ्ट वाली साइड से आ रही थी और मैं राइट वाली साइड से निकल गया। गाइज मेरे को ऐसे ही चकमा देना पुलिस को और फटाफट से मेरा कॉप्स लूज करवानी है। तो गाइज मैं इधर आ चुका हूँ, ये थोड़ी बहुत मेरे को अमीरों वाला एरिया लग रहा है गाइज। और काफ़ी भाई यहाँ पर तो काफ़ी बढ़िया रोड बनी हुई है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ओ गाइज यहाँ पे देखो कितनी सारी कार्स हैं भाई, कितनी सारी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ। और मेरे को लग रहा है गाइज यहाँ तक पुलिस पीछा नहीं कर पाई, क्योंकि भाई एकदम सुनसान एरिया है। और यहाँ पे देखो भाई कितनी, भाई देखो भाई वो कॉमेट है भाई, पोर्श लगी हुई है यहाँ पे और फरारी भी है, देखो रेड कलर की फरारी। गाइज मेरे को फ्यूचर में कभी भी इधर आना जाना हुआ तो गाइज एक ना एक गाड़ी तो चुरा के ज़रूर लेके जाऊँगा। तो गाइज फिलहाल मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी गाड़ी तो सीधी सीधी निकाल लेता हूँ। भाई क्या तगड़े भाई यहाँ पे, भाई वेजिटेशन काफ़ी बढ़िया थी इस एरिया की। गाइज मैं इधर कुछ ना कुछ करने तो ज़रूर आऊँगा भाई, यहाँ पे बहुत बढ़िया गाड़ी। अगर मेरे को न्यूज़ वगैरह पता चलती है कहीं से कि यहाँ पे अच्छी वाली गाड़ी आई हुई है, तो या तो फिर मैं उसे चुराऊँगा या तो कुछ कर लूँगा, बाइक वाइक वगैरह चुरा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत अमीरों वाला एरिया है, आपको बता देता हूँ मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब आते हैं, एक्टर वगैरह आते रहते हैं। तो हम फ्यूचर में प्लान करेंगे कि अगर हमें लेस्टर जो हमारा दोस्त है, आपको बता देता हूँ कि आपको अभी इतनी सीरीज़ के बारे में पता नहीं होगा, मतलब जिन लोगों ने देखी नहीं है, लेस्टर हमारा फ्रेंड है जो आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो मैंने आपको पहले ही स्पॉयलर दे दिया, कोई नहीं, चलो मैं गाइस आपको स्पॉयलर नहीं दूंगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइज मैं अपनी कार को भगाता हुआ इधर आ चुका हूँ और ये रही गाइज प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट जो डीलरशिप है। तो मैं गाइज यहाँ से राइट टर्न लेके अपनी गाड़ी अंदर एंटर करवा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मतलब अपना मिशन ऑलमोस्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन इधर दिखा रहे हैं ये अपनी गाड़ी अंदर कर दी मैंने। और गाइज ये देखो लमार आ चुका है और ये भाई मेरी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, ये एक येलो कलर की एसयूवी तो भाई ओपी है भाई, ये रेसिस्ट किसको कह रहा है? ओ भाई ये तो भाई माइकल का बेटा जिमी है, मैं आपको बता देता हूँ, उनको पता ना हो, मेरे को भी अभी अभी पता चला, मैंने अभी देखा, मेरे को याद भी अभी आया। ओ भाई ये लमार कह रहा भाई मल्टी कल्चरल भाई इंटरनेशनल बिजनेस मैन है। और भाई ये जो भाई ये बंदा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मेरे को याद नहीं, लेकिन भाई ये बंदा कह रहा है मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मतलब ऐसे कुछ कह रहा था कि मैं अपने आप मतलब कह नहीं सकता था ज़्यादा कुछ बढ़िया इस चीज़ के बारे में। तो गाइज इधर भाई पता नहीं इनकी बातें चल रही हैं। देखो भाई ये लमार से कह रहा है कि मैं तुमने जो तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया, मैं अपने आप पर नहीं तारीफ कर सकता था ये। और भाई वो जो बंदा है भाई पता नहीं क्या भाई सबको रेसिस्ट कहता रहता है, तो वो गाड़ी में बिठा के भाई जिमी को पता नहीं क्या चेक करा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं मेरा एक और ड्राइव है कि मैं इस कार को लेके मतलब फ्रैंकलिन के घर चलूँ, तो आपको फ्रैंकलिन का घर देखने को भी मिल जाएगा, तो गो टू फ्रैंकलिन हाउस। तो गाइज मैं आपको फ्रैंकलिन के घर के आसपास एक जगह पे मिलता हूँ, तब तक के लिए गाइज बाय। तो गाइज मैं इधर आ चुका हूँ अपनी कार को भगाता हुआ। देखो फ्रैंकलिन का घर कुछ इधर यही है गाइज, फ्रैंकलिन घर मेरे को मैप पे मार्क आ चुका है। और ये रहा अपने फ्रैंकलिन का गैरेज। तो गाइज मैं कार को इधर ही पार्क कर देता हूँ और भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से कार को मैंने पार्क कर दिया है। और एक और कट सीन आएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ भाई, इस फालतू कट सीन मेरे को पसंद नहीं है। तो गाइज ये अपना मिशन हो चुका है पास।
गाइस आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस जरूर जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। 1K करवाने फिलहाल, तो गाइस 700 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, और GTA की सीरीज रोज आती रही है। और तो गाइस कमेंट्स में बता देना गाइस कितने टाइम की मैं वीडियो रखूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's the dream.